अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं। माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपद विश्वास, मैं बंगाल मालदा गाजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है और ईश्वर ने अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म ग्रंथ नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है, जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जब हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है, ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन्ना दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह सुबहाना व ताला के नजदीक एक ही दीन सही है और वो दीन है इस्लाम, अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक, इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग ऑफ विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोग ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1,000 साल के लिए, जब तक क्यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे यूएसए में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए, फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूँ, किशनगंज के बारे में। किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% 65% मुसलमान है और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन एमएलए साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए।
तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है और आप खुश नसीब है क्या मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर। कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी। तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि किशनगंज का माहौल अमन रहे। आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दिन भेजा है, वो है अमन हासिल करना। ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकाम आते उसको अमल में लाने के बाद, और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूं हिंदुस्तानी नागरिक पे, ने हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूं इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूं हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाल्लाह आपस में अमन चाहते, आपस में एक दूसरे से प्यार करते, लेकिन इस शांति इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते, इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरखास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाल्लाह बरकरार रखे। आप हक पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहां नहीं मिलेगा ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूं आप हक पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो, यहां सीट नहीं मिलेंगी ऊपर तो मिलेंगी, ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप, 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना, ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए, चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। सामयीन से गुजारिश है कि जो जहां पर हैं वहीं बैठ जाएं, आगे बढ़ने की कोशिश न करें, परेशानी हो रही है, संजीदगी का माहौल बनाए रखें, जो जहां पर हैं बैठ जाएं, आगे न बढ़ें। अब हम चलते हैं शोबे खवातीन की तरफ, वहां पर वाजर है कि हमारा सिर्फ एक ही माइक है, माइक नंबर 4। माइक नंबर 4 पर अगर कोई गैर मुस्लिम बहन, गैर मुस्लिम खातून हैं तो वो सवाल कर सकती हैं माइक नंबर 4 से। हेलो डॉक्टर साहब, मेरा नाम है अरुमा गुप्ता और मैं ग्रेजुएट कर चुकी हूँ। मेरा सवाल है कि अगर एक मुस्लिम लड़का और एक हिंदू लड़की शादी करे, और अगर ऐसा हो कि वो मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की के घर में नमाज पढ़े और वो हिंदू लड़की उसके घर में जाकर पूजा भी करे, तो ये क्या जायज है या नाजायज है? बहन का अच्छा सवाल है कि अगर एक मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से शादी करता है तो क्या वो मुसलमान लड़का हिंदू के घर में जाके नमाज पढ़ सकता है, और क्या वो लड़की मुसलमान के घर में पूजा कर सकती है? नहीं। सबसे पहले कुछ शरायत है हर चीज के।
आप अगर गाड़ी रखेंगे और गाड़ी का एक पहिया रखेंगे साइकिल का, एक पहिया रखेंगे ट्रैक्टर का, तो गाड़ी चलेंगी क्या? नहीं, नहीं चलेगी। या चारों साइकिल कर दो या चारों ट्रैक्टर कर दो। इसीलिए कुरान की आयत है सूरह बकरा की, सूरह नंबर 2 आयत नंबर 221 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि आप मुशरिका से शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान न लाए। मतलब जो गैर मुस्लिम है और शिर्क कर रही है उससे आप शादी नहीं कर सकते जब तक वो ईमान ना लाए। और एक ईमान लाने वाली औरत चाहे कितनी भी बदसूरत हो वो एक मुशरिका से बेहतर है। और आगे आयत कहती है कि लड़कियां मुशरिक लड़के से शादी नहीं कर सकती जब तक वो ईमान ना लाए। एक मोमिन आदमी चाहे कितना भी बदसूरत हो वो बेहतर है बनिस्बत जो शिर्क करता है। इसकी वजह यह है कि इस्लाम में लिखा है कि अगर आप खुदा के अलावा किसी को और पूछते हैं, किसी और की इबादत करते हैं, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 48 में और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह सुभाना व ताला अगर चाहे तो कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है लेकिन शिर्क को कभी नहीं माफ करेगा। अगर एक इंसान मुशरिक जैसा मर गया तो अल्लाह ताला कभी भी उसे माफ नहीं कर सकता, क्योंकि मुशरिक वो शख्स है जो शिर्क करता है और ये सबसे बड़ा गुनाह है। क्योंकि हमारा खालिक, हमारा मालिक, हमारा ईश्वर, हमारा खुदा, हमारा भगवान, अगर हम उसको गाली देंगे ये सबसे बड़ा गुनाह है। जिसने हमें जिंदगी दी, जिसने ये सारी चीजें हमें दी दुनिया में, अगर हम उसको गाली देंगे उसके अलावा किसी और की इबादत करेंगे ये शिर्क हुआ। तो इसीलिए इस्लाम में इजाजत नहीं है कि एक मुस्लिम लड़का या लड़की कोई मुशरिक लड़का या लड़की से शादी करे, ये इजाजत नहीं है। जहां तक के सवाल है क्या एक आम मुसलमान हिंदू घर में नमाज पढ़ सकता है, अगर उसके सामने कोई मूर्ति नहीं है तो नमाज कहां भी पढ़ सकता है अगर जगह साफ है। हमारे रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते कि सारी दुनिया सारी धरती मोमिन के लिए मस्जिद है, यानी सारी दुनिया आप कहां भी नमाज पढ़ सकते, देखना चाहिए कि साफ है आप नमाज पढ़ सकते। तो ये आप जाके अगर हिंदू का घर में जाते हैं और वह साफ है कोई मूर्ति आगे नहीं है तो नमाज पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको शादी करना चाहिए फिर आप नमाज पढ़ सकते, शादी करने की जरूरत नहीं है, नमाज पढ़ने का अगर साफ जगह है तो कोई हर्ज नहीं। इसीलिए शादी के लिए शर्त है कि दोनों का ईमान हो। और अगर आप हिंदू मजहब पढ़ेंगे तो हिंदू मजहबी किताब में भी यही लिखा है जो मैंने पहले पेश किया, पहला जो सवाल था भाई साहब का, और मैंने कहा कि हिंदू मजहब में भी यही लिखा है ना तस्य प्रतिमा अस्ति, उस ईश्वर उस भगवान उस खुदा का कोई अक्स नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई पोर्ट्रेट नहीं, कोई आइडल नहीं, कोई स्टैचू नहीं। अगर ये मान ले कि कम से कम जो यक्सा है हिंदू और इस्लाम के मजहबी किताब में कम से कम उसके ऊपर अमल करे तो अक्सर हमारे मुश्किलात दूर हो जाएंगी। जो यक्सा नहीं है उसको कल डिस्कस कर सकते। और अगर आप तहकीक करते हैं, तहकीक करते हिंदू मजहब की किताब पढ़ते और इस्लाम मजहब की किताब पढ़ते, दोनों में लिखा है खुदा एक है, दोनों में लिखा है खुदा का कोई अक्स नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा का कोई बुत नहीं है, दोनों में लिखा है कि खुदा के अलावा किसी और की इबादत नहीं करना चाहिए, दोनों में लिखा है कि आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, दोनों में लिखा है कि शराब नहीं पीना चाहिए। मैं हवाले दे सकता हूं और मैं तकरीर लिख दिया हूं, सिमिलैरिटी बिटवीन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, इस्लाम और हिंदुइज्म में यकसानियत दोनों किताब में। आप अगर पढ़ेंगे कुरान मजीद में सूरह माईदा सूरह 5 आयत नंबर 90 में लिखा है कि शराब पीना हराम है। अब मनुस्मृति चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 225 पढ़ेंगे, उसमें लिखा है शराब पीना हराम है। कुरान में लिखे सूरह माईदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 3, सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 173, सूरह अनाम सूरह नंबर 6 आयत नंबर 145 और सूरह नहल चैप्टर 16 वर्स 115 में हुर्रमत अलैकुमुल मैतुतु वद्दमु वलामुल खिंजीर वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही। क्या आपके लिए हराम है मरा हुआ गोश्त, खून, सुअर का गोश्त और वो खाना जिसके ऊपर अल्लाह के अलावा किसी और का नाम लिया गया है? आप अगर हिंदू मजहबी किताब पढ़ेंगे उसमें भी लिखा है क्या सुअर का गोश्त खाना हराम है,
अगर आप तहकीक करेंगे काफी इंसानियत है। इस्लाम मजहबी किताब में लिखा है कुरान में सूरह नूर में सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 के अंदर हिजाब के बारे में, औरत को अल्हम्दुलिल्लाह हिजाब में होना चाहिए, सर से ढका होना चाहिए उसका जिस्म, सिर्फ जो दिख सकता है वो चेहरा और हथेली तक के। आप अगर हिंदू मजहब किताब पढ़ेंगे ऋग्वेद, ऋग्वेद बुक नंबर 8 में लिखा है और ऋग्वेद बुक नंबर 10 में भी लिखा हुआ है कि औरत को अपने सिर के पल्लों को डालना चाहिए चेहरे पे। ऋग्वेद में भी लिखा है कि जब मर्द को देखे तो नजर नीचे करना चाहिए। ये कुरान मजीद में लिखा है सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30 और 31 कि जब भी कोई खातून मर्द को देखती है जो उसका शोहर या करीब रिश्तेदार नहीं है, और जब भी कोई मर्द कोई औरत को देखता है और करीब रिश्तेदार नहीं है तो उसे नजर नीचे करना चाहिए। तो इस तरीके से आप तहकीक करेंगे जो यकसानियत है उसके ऊपर तो अमल करो। तो यकसानियत है हिंदू और इस्लाम मजहब में जो मजहबी किताब में लिखा है, लेकिन अफसोस की बात है कि मजहब के ठेकेदार ये चीज का जिक्र ही नहीं करते। क्यों? इसीलिए मैं हवाले देता हूं, मैं कोई आलिम नहीं हूं, मैं कोई पंडित नहीं हूं, मैं अपने आप को तालिब इल्म कहता हूं, लेकिन मैं हमेशा हवाला देता हूं। तो किसी को भी शक है, किसी को भी शुबा है तो घर पे जाके चेक कर सकता है या इंटरनेट पे जाइए, आप टाइप करो, वेद भी इंटरनेट के ऊपर है, कुरान भी इंटरनेट के ऊपर है, टाइप करो, रेफरेंस टाइप करो, आपको हवाला मिल जाएगा। तो इसीलिए गाड़ी चलने के लिए दोनों का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वही होना चाहिए, इसीलिए दोनों लोग मोमिन होना जरूरी है। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। अब हम सवाल करने का मौका देते हैं उस